समझे? आप जाइए, आपको लखनऊ जाना है ना किसी जरूरी काम से, दोपहर को निकलना था और अब तो शाम होने को आई है, आप जाइए। अम्मा की ऐसी हालत है और मैं नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं कैंसिल कर देता हूँ। नहीं नहीं समर जी, आप जाइए, हम आपसे वादा करते हैं कि सासू माँ को कुछ नहीं होगा। लेकिन 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 कुछ नहीं समर जी, आपका जाना बहुत जरूरी है और वैसे भी आप सुबह तक तो लौट ही आएंगे, तो आप जाइए समर जी। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल जरूर कीजिएगा, मैं सुबह तक लौट आऊंगा। अम्मा मना कर दे, जानते थे भैया, सासुमा खाना तब तक नहीं खाएंगी जब तक उन्हें सच्चाई नहीं पता चल जाती। ये घर में वैसे ही तमाशा चलता रहेगा और हमारा मामला वहीं का वहीं अटका रहेगा। हमको ही अब पता करना पड़ेगा कि पैसा किसने चुराया। जाओ तुम। प्रिंस सभा बड़ा लहराए लहराए चल रहा है, कहीं ऐसा तो ना कि सारा पैसा यह सफा चट कह दे। प्रिंस, 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 प्रिंस। जी बलवंत भैया। करे कब बस चिल्ला रहे, तुमको सुनाई नहीं? ओ हो हो, मार तार लपेटे है, दोनों काने में ठेपी डाले तो सुनोगे कहां से बे तुम? हाँ बलवल भैया, अभी नया नया है ना, एकदम तीव तीव तो टहका के गाना सुन रहे हैं। देखिए ना, आप अपने कान में लगा के देखिए ना, एकदम झमाझम आवाज आ रही है। झमाझम जी, जी गुरु, लग भी आज अमीर रहे हो तुम। हाँ मोबाइल दिखाओ तो, मोबाइल भी महंगा वाला है गुरु, नया नया टी शर्ट पैंट जूता है, जम रहे हो तुम, साहब लग रहे हो आज तो। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओ अंग्रेजी है? अच्छा जरा हिंदी में बताओ कि तुम्हारी लॉटरी निकली है या तो फिर कहीं से कोई खजाना खोदे हो, इतना पैसा कहाँ से बे? बलबल भैया, ये सब हम अपने पैसे, तो नाती अपने पैसा से वकालत भी कर लिए क्या? है एक पड़ाका मारेंगे भी कान का पर्दा फाट जाएगा तुरंत। सही बोल बोल रहे हैं, पगलवाओ मत हमें, बोल। नहीं बलबल भैया, चाहे जवन क्रिया खिया लीजिए, हम चोरी नहीं किए हैं, ये सब हम अपने पैसे से लाए हैं। ए प्रिंस, बस चढ़ जाओ सिनेमा पे ना, कर्ज भाई टूट जाए। अरे सही सही और साफ साफ बताओ ना, तो कहाँ से लाए? बोल बलबल भैया, अब हम कहा बोले, हम चोरी नहीं किए हैं। बलबल भैया, बलबल भैया, आपसे गलती हो रही है। मलकायन घर के सदस्य की जैसा हम लोगों का भी ध्यान रखती है हर पर्व त्योहार में, और इसने ये सब उन्हीं के दिए हुए पैसे से खरीदा है। चाहे जो हो जाए, प्रिंस का वो ये घर के नमक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। तुम ही कैसे कह सकती हो कि ये चोरी नहीं कर सकता? कैसे? कैसे कि हम लोगों का पूरा खाता मलकायन के पास है, हम लोग का कमाते हैं का गवाते हैं सब मलकायन को पता है। हर मौका पर हम लोगों को जो भी चाहिए मलकायन सब किन खरीद देती है, तो भला चोरी काहे करेगा कोई? ठीक है ठीक है, अब ज्यादा की तरफदारी मत करो, समझे? रुवत है काबे, हाँ ये लो गाना सुनो और हंसो एक बार यार राजा। ठीक है हम तो सोचे थे कि पिछले 15 साल में जो इस घर में नहीं हुआ आज हो जाएगा, झूठे इल्जाम साबित हो जाता, तुम हमें बचा ली, तुम हमारे लिए बलबल भैया से मजूरी कर ली।
लीजिए। भूख बहुत तेज बढ़ रही थी, हाँ हम सोचे कि अम्मा को जाके सच्चाई बता दे। बता देते हमें क्या है, लेकिन याद रहे उसके बाद हुक्का पानी सब बंद हो जाएगा इस घर में हमेशा के लिए। अरे वो बात में देखेंगे, पहले बहुत भूख लग रहा है। हम सोच रहे थे कि अभिनंदन भैया से बात कर लें, सब मिलकर अगर 1.5 लाख रुपए देंगे अम्मा को तो शायद वो अपनी जिद छोड़ दे। पर ये पैसा लेकर जाएगा कौन, और जो भी जाएगा ना सवारो चोर वही बनेगा। चोरी पूरे 1.5 लाख रुपए की हुई, तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि बाकी का 50,000 गायब कहाँ हुआ। तो आपको क्या लगता है कि हमने आपको 1 लाख रुपए दिए और 50,000 रुपए खुद रख लिए? अरे सवारो हमने ऐसा थोड़ी कहा, पर सोचने की बात यह है कि जो 50,000 में से 5,000 रुपया हमारी जेब में से मिला तो 50,000 गया कहाँ? वो तो है, हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए था, लेकिन समझ में नहीं आता कि ऐसा है कौन जो हमें फंसाना चाहता है। हमें तो लगता है तुम्हारे बलबल भैया की कोनो बिछाई हुई बिसात है। अरे ऊपर से हमारी सासू माँ बलबल की एक आवाज पे 2 करोड़ रुपया उसे दे दिया। हमारी अम्मा को कुछ दिखता उठता है कि नहीं? अरे सुनिए ना, सासू माँ की तबीयत खराब होती जा रही है और उनका बीपी भी गिरता जा रहा है। आप क्यों नहीं उनसे झूठ मूठ कह देते कि पैसे आप ही से गिरे हैं? मेरे मन बुद्धि कालिंदी देवी, अम्मा छोड़कर लड़का ना आए हैं कि हम उनसे कहेंगे कि अम्मा चोरी हम किए हैं और मान जाएंगे। बस एक बार शुक्ला जी को हम पैसा दे, फिर चोरी किसने की है वो अगर पाताल में भी छुपा होगा ना तो घसीटते हुए लेकर आएंगे। चोरी चकारी के चक्कर में मनीराम की सीट हमारे हाथ से न निकल जाए। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम प्रार्थना करेंगे ना आपके लिए। 76.5 लाख रुपया चाहिए अलुआ नए कि जाओगी रसोई में तुम बनाओगी हम गप से खा लेंगे खुश। लेकिन आप सासू माँ से इस बारे में कुछ मत कहिएगा, चोरी वाली घटना से उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि चोरी घर में से किसी ने की है। वही तो यार, इतना बड़ा हरकत हमारे घर में कौन कर सकता करे? ये पूजा पाठ से कुछ मालूम चल सकता है? नहीं चल सकता ना, तो जाओ कुछ खाने को ला, भूख लगी जा। वो हम कह रहे थे कि अच्छा नहीं लगता ना कि सासू माँ ने कुछ नहीं खाया और आप फिर शुरू हो गया। व्रत उपवास रहते रहते ना तो भूखी है मरी गई बार, लेकिन हमको ना लगती है भूख बहुत जोर की लगी है। जाओ लेकर आओ कुछ खाने को। जो अलकिन आपकी जिद सरासर गलत है, आपका शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है। आप भले ही खुद को सजा दे रही हो लेकिन ये सजा हमारे और हमारे परिवार के लिए भी है। आप हम सबको दुख दे रही हैं मलके। कप्तान साहब, हम देखना चाहते हैं, हमने जिंदगी भर जिसकी परवाह की उसे हमारी परवाह है कि नहीं? आप देखिएगा कप्तान साहब, अगर है तो जरूर सामने आए। भाऊ जी, सासू माँ को थोड़ी चाय पिला दीजिए। हाँ। अरे अगर चाय ही पीना होता तो हम खाना ना खा लेते। खा लीजिए ना मलके, चोरी किसने की है हम आपको पता करके बताएंगे। कप्तान साहब, आपके कानून और हमारे कानून में यही फर्क है, हम खोजना नहीं चाहते, हम चाहते हैं अपराध करने वाला
हमारे सामने आके खुद अपनी गलती माने। हम किसी को सजा देने के लिए नहीं कप्तान साहब, माफ करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सासू माँ देखिए थोड़ी सी चाय पी लीजिए। अरे सच की लड़ाई में तो बहुतों ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, पर हम तो अन्न जल ही त्यागे हैं। हमें अभी ताकत है। मलकी सिया बहू बेटा इनका ध्यान रखो, हम डॉक्टर को लेके आते। सासू माँ खाना दाना लेकर जा रही हो पति परमेश्वर के लिए? वो दीदी हाँ, पर दीदी हमने कहा था उनसे ऐसे अच्छा नहीं लगता पर। अरे काहे अच्छा नहीं लगता, मर्द है तुमरा। अब पति पूरा दिन बाहर काम करेगा तो भूख तो लगेगी ना। और एक हमरा गोबर गणेश है, रट्टा लगाए बैठे हैं जब तक अम्मा जी ठीक नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं खाएंगे। अब वो नहीं खाएंगे तो हम कैसे खाएं? इले अपने लिए चाय बनाने के लिए आए हैं। दीदी दीदी सच कहें ना, हमें बहुत डर लग रहा है। सासू माँ अगर ऐसी भूखी प्यासी रही तो दीदी कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। दीदी आप जेठ जी को समझाइए ना कि वो सासू माँ के पास है, उनसे कहें कि वो कुछ खा लें। अच्छा दीदी हम चलते हैं। हिटलर बाबा डटी रहे और सड़क की सीढ़ी चढ़े और निकल लें, फिर हम करेंगे घर में चक्रवर्ती राज। और कोई पागल है का जो दांत और पंजा के तेज शेरनी के पास जाकर बोले कि हाँ जी माँ जी चोरी हमने की है। बात करती है भैया, अब इस वक्त ये कहा सुनी सब छोड़ के ये जरूरी है कि कैसे भी करके अम्मा कुछ खा पी लें। एक काम करते हैं कि हम लोग मिलके 50,000 रुपए जमा करते हैं और अम्मा को दे देते हैं। और भैया अभी आप हमारे भी 50,000 दे दीजिए, हम आपको बाद में दे देंगे। तीजा बीपी जी उस दिन सही ही रट्टा मार रही थी कि ली गई उस्मा बराबर दी गई उस्मा, मतलब जितना पैसा निकाले उतना वापस, एक को पैसे का फायदा नहीं। और ये लोमड़ी 1,00,000 रुपया निकाल कर गटक गई और अब इनसे पैसा मांग रही है कि आप दे दीजिए हम बाद में दे देंगे। हमारे लिए तो बस अम्मा की तबीयत ठीक रहे, फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम तैयार। अरे क्या हो रहा है, सुबह से इन्होंने कुछ खाया नहीं है, पहले इन्हें अरे ये क्या बात है, आपने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं भैया? अम्मा की तरह आपको भी अपनी तबीयत खराब करनी है क्या? आप तो इस घर के बड़े हैं, आप ही को तो सब कुछ संभालना है। हमें लगता है सवारों को कहना जायज, हमें मिल के पैसे इकट्ठे करने चाहिए और अम्मा को देने चाहिए। हाँ तो पूरा का पूरा 1,50,000 रुपया आप बीबी जी को दे दीजिए, बीबी जी सासू माँ को जाकर दे देंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं देंगे अम्मा को। अगर हम देने चले गए तो अम्मा को तो यही लगेगा ना कि हम ही ने चुराए होंगे पैसे।
यही तो बीबी जी यही समझाना चाह रहे हैं कि पैसा तो इकट्ठा हो जाएगा पर सासू माँ को जाकर देगा कौन। ये बात में दम तो है पर हमें नहीं लगता कि बलबल इस सारे चंदे में एक फूटी कौड़ी भी देगा। हाँ ये बात तो सही है भैया और हमें लगता है कि राजनीति में पैसा लगाना कोई समझदारी की बात नहीं है बिल्कुल गलत फैसला है ये और हम तो कहते हैं कि जो 1 लाख की चोरी हुई है सवारो 1 लाख नहीं 1.5 लाख। हाँ हाँ 1.5 लाख ये जो 1.5 लाख की चोरी हुई है ना तो देखिए भैया भगवान जी का इशारा है ये कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। भैया हमें पैसा लगाना ही है तो ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ हमें कुछ मुनाफा मिले। हम तो कहते हैं कि हम सबको मिल बैठकर इस बारे में फैसला करना चाहिए कि कहाँ पैसा लगाना सही रहेगा। माई रे माई ये का बुदबुदा रही है ननद जी। चीनी बनाने वालों के घर में चीनी खोल रही है। पीपल पीपल की तरह यहाँ गड़ जाने का इरादा है का? अब भी बताएंगे कि घर का पैसा कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं। माई रे माई यहाँ बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं बाहर जाके देखिए अगर नहीं क्या चल रहा है सर क्या हुआ जाकर देखिए आपकी बहन और बहनोई कैसे आपके खिलाफ कान भर रहे हैं आपके भैया के। ये जो राजनीति की दुकान बसाने की कोशिश कर रहे हैं ना वो बसने से पहले ही उजाड़ने की योजना बना रहे हैं। दिया सलाई लेके बैठे हैं आपके बहन और बहनोई। बहुत ठंडी है ना बाहर जब सब फूक फाक देंगे तब तब पिएगा आराम से बैठ के ठीक है। अरे आप इतनी जल्दी खा भी चुके सुनिए हमारे हिसाब से राजनीति में पैसा लगाना और नोट जला के आग तापना एक ही बराबर है सिर्फ पैसे का नुकसान होगा। बलबल भैया राजनीति में बाद में आएंगे राजनीति पहले ही घुस गई इस घर में। अब ये देखो 1.5 लाख रुपए पहले गायब हुए और अब 75 लाख की और डिमांड खाली नुकसान पे नुकसान। अरे भाई इतने बड़े घर की जिम्मेदारी आप लोगों के तो माथे पे है सारा नुकसान नुकसान सोच के देखो किस तरीके से सब सूखे जा रहे हैं। ऐसा है समारोह जो 75 लाख रुपया है ना हम तुम्हारे ससुरारी वाले से नहीं मांग रहे जो तुम सबको बुलाकर यहाँ संसद बैठाए हो। सब लोगों को देखो इतना गंभीर मुद्रा में खड़े हैं देख के लग रहा है कि जैसे सारा पैसा इन्हीं लोगों के जेबा से जा रहा। ऐसा है कि जो मामला तुम्हारा नहीं है उसमें टांग अड़ाने की कोई जरूरत भी नहीं। बलबल भैया जरा सोच समझ कर बात कीजिए इस घर में होने वाले हर फैसले में हम बोलेंगे क्योंकि ये घर हमारा भी है। समारो जी आपका ना बिया हो गया है तो जो ये राय वाय है जाकर वहाँ पर दो अपने ससुराल में देख के लगता है कि बड़ी जरूरत है वहाँ पर। यहाँ ना ही हमारा घर है सारा हक वही दिखाना यहाँ ना है। अम्मा अम्मा भैया हम आपसे घर का बिटिया और दामाद अगर ना मेहमान बन के रहे तो अच्छा लगता है लेकिन इन्होंने 2400 घंटा फंड काटे बैठा है कि उनके उनके काटे अम्मा कहो इनसे कि इनका दिन पूरा हो गया अपना बुरिया बिस्तरा बांधे और निकले हमारे घर से। हमारे घर में फूट डालने की कोई जरूरत नहीं है। हद हो गई आप होते कौन है हमें इस घर से जाने के लिए कहने वाले। अच्छा कैसे तुम्हारा घर ऐसा मारो न बुद्धि से नहीं भरम निकाल दो जहाँ रहोगी ना सुखी रहोगी। ज्यादा उड़िए मत इस घर पे इस प्रॉपर्टी पे हमारा भी उतना ही हक है जितना आपका। और का पूरे सूरज कुंड में एक तोहित बिटिया जन्मी हो भाई बाकी सब तो पागल है ना। ऐसा मारो
जरा बुद्धि पे जोर डालो और सोचो कि उड़ हम रहे हैं कि तुम उड़ रहे हो। हाँ। सोचो जरा, एक करोड़ों लगा के जो तुम्हारा बियाह करे पागल से, वो पैसा कहाँ से आ रहा? तुम्हारा ससुरा भेजा था? नहीं, यहाँ का पैसा लगा था। हम अच्छी तरीके से जानते हैं भाई तुम चाहती क्या। तुम चाहती हो कि तुम्हारा मूढ़ी गोर सब ना घी के कराही में बैठी रहो पूरी पूरे। ससुरा भी तुम्हारा और मायका भी तुम्हारा। बस कीजिए भैया। अम्मा, हम तुमसे पहले कह रहे हैं, बूढ़ बुजुर्ग गलत नहीं कहे हैं कि दामाद और साला को बहुत दिन तक घर में नहीं रखना चाहिए। बहुत बड़ी गलती कह रही हो तुम, हमको बता दे रहे हैं। इन लोगों को ना रवाना कीजिए यहाँ से, नहीं तो घर में कुछ नहीं बचेगा, सब तहस नहस। बता देते हैं पहले से। अच्छा, हाँ ठीक है। अब ये बात है ना, अब देखिए, अब तो हम इस घर से जाएंगे ही नहीं। हम देखी तो कैसे ना जाबू तू, तुम लोगों को अभी घर से ठेल के तब हम दम लेंगे। जाइए जाइए, अभी हमारे माँ बाप जिंदा हैं, फिकर कीजिए पहले अपनी। अपनी नहीं, अब तुम लोगों की फिकर करनी है, समझे? अम्मा,